गोलघर स्थित पांडे टायर दुकान के मालिक का लाखों रुपए धोखाधड़ी से गबन करने वाले अभियुक्त को कैंट थाने की पुलिस ने गिरफ्तार कर धोखाधड़ी के पैसों में से डीजे का सारा सामान बरामद करने में सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तार अभियुक्त का नाम अंकुश पासवान, पुत्र रामरक्षा पासवान, निवासी कुलई पोस्ट अमटोरा थाना गीडा जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है। पुलिस लाइन के व्हाइट हाउस सभागार में प्रेसवार्ता करते हुए एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने बताया कि वादी मुकदमा की गोलघर स्थित पांडे टायर की दुकान है। दुकान पर नियुक्त कर्मचारी अंकुश पासवान, पुत्र रामरक्षा पासवान, निवासी कुलई पोस्ट अमटोरा थाना गीडा जनपद गोरखपुर करीब 1.5 वर्षों से काम करता है। इसके अलावा 2 कर्मचारी और वहां पर काम करते हैं। दुकान पर ग्राहकों की काफी भीड़ रहती है। दुकान मालिक द्वारा यदि ग्राहकों का पैसा तकनीकी कारणों से दुकान के खाते में नहीं आ पाता था तो मालिक द्वारा अंकुश पासवान को बताया जाता था कि अपने खाते में पेटीएम के माध्यम से ले ले और उनको दुकान के खाते में पैसा डाल दे। अंकुश पासवान द्वारा शुरुआती दिनों में ईमानदारी से जो भी पैसा उसके खाते में खरीदारी का रहता था उसको मालिक के खाते में डाल देता था। पेटीएम के कार्य में निपुण हो जाने पर माह अप्रैल 2022 से अंकुश पासवान द्वारा जब ग्राहकों का पैसा पेटीएम से अपने खाते में लिया जाता था तो वह मालिक के खाते में तो भेज देता था लेकिन रिफंड के माध्यम से पुनः उस पैसे को अपने खाते में ले लेता था। यह प्रक्रिया उसके द्वारा लगातार करते हुए करीब 8,81,000 रुपया दुकान का गबन कर लिया गया। जब दुकान के मालिक को शंका हुई कि बार बार मेरे मोबाइल पर पैसा रिफंड होने का मैसेज आता है तो उन्होंने अपने अकाउंटेंट से इस विषय में पूछा तो अकाउंटेंट को भी जानकारी ना होने के कारण बताया गया कि यह पैसा वापस हो जाएगा। इसी कारण करीब 8,81,000 रुपया अंकुश पासवान द्वारा अपने खाते में रिफंड कर लिया गया। जब इनके द्वारा अपने दुकान की बिक्री व पैसों का मिलान किया गया तो पैसों में अंतर पाए जाने पर उन्होंने पेटीएम के अकाउंटेंट से जांच कराया तो जानकारी हुई कि अंकुश पासवान द्वारा पैसे का गबन किया गया है। तब वादी मुकदमा द्वारा थाना कैंट पर मुकदमा पंजीकृत कराया गया। उपरोक्त अभियुक्त अंकुश पासवान को गिरफ्तार कर पूछताछ किया गया तो उसने यह बात स्वीकार किया कि करीब 8,81,000 रुपया उसने रिफंड के माध्यम से गबन किया है और इसके द्वारा उसी पैसों से डीजे का सामान करीब 6 लाख का खरीदा गया है तथा और पैसा अपने शौक में खर्च किया है। अभियुक्त अंकुश पासवान द्वारा खरीदे गए डीजे का सारा सामान 3 स्पीकर बड़ा, 1 अदद एम्पलीफायर हॉर्न स्टैंड, 7 अदद हॉर्न, 1 अदद इलेक्ट्रॉनिक नेम बोर्ड आदि बरामद कर अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में कैंट थाना प्रभारी शशिभूषण राय, चौकी प्रभारी जटेपुर, उप निरीक्षक धीरेन्द्र कुमार राय, कांस्टेबल विवेक गौड़ आदि शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने कहा, फोटो ले रहे जनपद गोरखपुर में अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाने के अनुक्रम में आज थाना कैंट को एक सफलता मिली है। उल्लेखनीय है कि 19 नवंबर को रात को 11:30 बजे करीबन अपना अकाउंट चेक करने के बाद में एक वशिष्ठ नारायण पांडे नाम के एक व्यक्ति जो कि ऑटोमोबाइल की दुकान चलाते हैं, जो टायर वगैरह बेचते हैं, उन्होंने बताया कि उनकी दुकान पर काम करने वाला एक मुनीम जो कि कभी कभी सर्वर डाउन होने या किन्हीं कारणों से ग्राहकों से अपने पेटीएम के अंदर पेमेंट लेता था और वो पेमेंट बाद में सेठ के खाते में डाल देता था, लेकिन चालाकी से
वो पैसा सेठ के बिजनेस पेटीएम अकाउंट से वो वापस अपने खाते में ट्रांसफ़र कर लेता था और उसका सेठ को पता नहीं चलता था। इस तरीके से इसने कुल 8,81,000 रुपये का गबन किया और गबन करने के बाद में इसने उसमें से 6,00,000 रुपये का डीजे खरीदा है और उस डीजे को थाना कैंट पुलिस द्वारा बरामद कर आज दाखिल किया गया है और उस अभियुक्त अंकुश पासवान को भी गिरफ्तार किया गया है और उसको जेल भेजकर विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। यह व्यक्ति खुद तो नॉर्मल पेटीएम अकाउंट चलाता है लेकिन इसके सेठ के पास बिजनेस पेटीएम अकाउंट है। बिजनेस पेटीएम अकाउंट में एक ऑप्शन रहता है कि आप जो पैसा रिसीव करते हैं वो पैसा आप जो भी व्यक्ति आपको पैसा ट्रांसफ़र किया उसको आप वापस भी भेज सकते हैं। तो इस तरीके से कई बार ये 25,000 रुपये ट्रांसफ़र करता था और करीबन उसमें से 13 या 15,000 रुपये वापस अपने खाते में ले लेता था और उसके बाद में अकाउंटेंट को भी ये बता के रखता था कि 24 घंटे के अंदर ये रिफ़ंड हुआ हुआ पैसा वापस रिफ़ंड हो जाएगा, बल्कि ऐसा नहीं होता था। तो इस तरीके की स्कीम पेटीएम की छोटी मोटी जानकारी होने के कारण इसने अपने सेठ जो कि फाइनेंशियल रूप से इतने लिटरेट नहीं है उनको पागल बनाया गया है। ये ऐसा कई बार अन्य जगहों पर भी देखा गया है कि पेटीएम का पेमेंट अगर किसी बिजनेस अकाउंट से हो रहा है तो आप सावधान रहें, क्योंकि बिजनेस अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करने और उसको लेने से संबंधित सारी तमाम जानकारियों आपको होना आवश्यक है। ये अकेला व्यक्ति है जो इस तरह की घटना कारित करता था और स्वयं के लाभ अर्जन के लिए ही ये इस तरह की घटना कारित करता था और कुल 8,81,000 रुपये का गबन इसने किया। थैंक यू। अभी तक इस तरह की संज्ञान में नहीं है। थैंक यू।